क्लास सिक्स और लेसन इज सेपरेशन ऑफ ए सब्सटांसेस, पदार्थों का पृथक्करण। देखिए इसमें क्या है, पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण क्या होता है, सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है, सेपरेट करना, कि दो वस्तुएं आपस में मिली हुई हैं तो उनको अलग अलग करना, उनको अलग अलग से सेपरेट करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ये बर्तन है, इसमें हमने कुछ आम और कुछ केले रख दिए, एप्पल, ठीक है, सेब रख दिए, बनाना डाल दिए, बनाना ये सब डाल दिए। ठीक है, तो इसके अंदर ये तीनों की तीनों मिक्स हैं, भी आम भी हैं, एप्पल सेब भी है, बनाना केला, तीनों मिक्स है। तो क्या होगा, हमें क्या होगा अगर केले की आवश्यकता है, अगर हमारा हमारी इच्छा है केला खाने की, तो हमें क्या होगा, इसमें केला निकालने के लिए समय लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक, क्योंकि क्या है कि इसके अंदर तीनों चीज़ें आपस में मिक्सअप है, मिली हुई है। अगर ये तीनों अलग अलग हैं तो हमें जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है, जिस भी फ्रूट की आवश्यकता हो, उसको आसानी से उठा सकते हैं। इसमें क्या है, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपस में मिली हुई है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी मिश्रण से अपने किसी भी मिश्रण से हम उसमें से हानिकारक या अनुपयोगी या अपनी सुविधा के अनुसार जो उसमें पदार्थ होते हैं उनको अलग करते हैं। ठीक है, ये हम अपनी सुविधा के लिए, या कोई मिश्रण है तो उसके अंदर जो अनुपयोगी पदार्थ हैं, हार्मफुल हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हैं, उनको भी अलग करने के लिए, ठीक है, तो सब क्या कहते हैं, वो पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, अब इसकी जो विधियाँ होती हैं, वो पृथक्करण के जो तरीके होते हैं, वो सब अलग अलग हैं। पृथक्करण की जो विधियां हैं वो अलग अलग है। सबसे पहला दे रखा है हैंड पिकिंग, हस्त चयन। इसमें देखो हस्त चयन मतलब हाथों के द्वारा जो जितनी भी विधियां हैं वो सब, उनका प्रयोग करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो मिश्रण है वो किस प्रकार का है। ठीक है, वो जो मिश्रण है उसके अंदर जो पदार्थ हैं उनके जो विशेषताएं हैं, उनके जो गुण हैं, उनके आधार पर ही हमें विधि का चयन करना है कि इसके लिए कौन सी विधि योग्य है, सुटेबल है। तो देखिए हस्त चयन, हैंड पिकिंग मीन्स हाथों के द्वारा किसी भी मिश्रण से कोई भी वस्तु अलग करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था ये, तो इसके अंदर क्या होता है, हस्त चयन विधि में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, इम्प्योरिटीज आर ए लार्ज इन साइज, कि जो अशुद्धियाँ हैं उनका आकार है, साइज है, वो बड़ा होगा और इजीली एबल टू सी द इम्प्योरिटीज, और इसमें क्या होगा कि जो हमें वो अशुद्धि को आसानी से देखने में योग्य है, आसानी से उसको हमें देख सकते हैं, तो उस अशुद्धि को हम उससे अलग कर सकते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल है, इसके अंदर ये अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से मान लीजिए हमें मैंगो अलग करना है, सेपरेट करना है, बर्तक करना है, तो हम क्या करेंगे, इससे हाथों की सहायता से इसमें से मैंगो इस वाले बर्तन में रख सकते हैं, क्योंकि मैंगो क्या है, साइज बड़ा है। ठीक है, उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, इसलिए हम उसको आसानी से अलग भी कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग मेथड, हस्त चयन विधि द्वारा। घर पे भी हम इसका उपयोग करते हैं, जो गेहूँ वगैरह से कंकर पत्थर निकालने के लिए भी, ठीक है, और चावल वगैरह पकाते हैं तो उसको साफ करने के लिए भी, या दाल में से भी हम हाथों से कंकर पत्थर अलग कर सकते हैं। दूसरा आता है सीविंग मेथड, सीविंग मेथड
इनसे छालन विधि। ये सारी की सारी विधि आप घर में हर रोज देखते हैं, ठीक है। छालन विधि, छालन विधि का प्रयोग कहाँ होता है कि जो अशुद्धियाँ होती हैं और जो मिश्रण होता है उसके जो अवयव होते हैं उनके साइज में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। एक चीज़ उसमें से काफ़ी बारीक होगी, दूसरी चीज़ का साइज उससे बड़ा होगा, उस स्थिति में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चाय छानते हैं तो चाय पत्ती का जो साइज है वो बड़ा होता है, चाय जबकि तरल अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो कि छलनी में से नीचे आसानी से दूसरे रखे बर्तन में इकट्ठी हो सकती है। तो इसके लिए क्या होता है कि सीव, एक छलनी होती है जिसके अंदर बारीक बारीक छिद्र होते हैं। घर पे देखा होगा आटा छानते वक्त नीचे रखे वो छलनी के अंदर हमें आटा, देखिए इसमें यह बारीक बारीक छेद होते हैं, छलनी, इसके ऊपर कोई भी हमने यहाँ पे मिश्रण डाला, मिश्रण नीचे रखे बर्तन में तो जो प्योर सब्सटेंस होगा, शुद्ध जो पदार्थ होगा हमारा वो नीचे आ जाएगा, जबकि जो अशुद्धियाँ होंगी वो कहाँ होंगी, इसे के ऊपर ही इकट्ठे रह जाएंगे। जैसे हम घर में आटा वगैरह छानते हैं, ठीक है, और जो मिस्त्री होते हैं प्लस्तर वगैरह करते हैं तो क्रेशर वगैरह को, बजरी को छानने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, जो अशुद्धि होती है वो उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, बड़े आकार की होती है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो छलनी के ऊपर ही रह जाएगी और जो साफ जो पदार्थ है, जो यूजफुल जो पदार्थ है वो नीचे छलनी में से नीचे रखे बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ये भी छन्ना विधि है। बाय द हेल्प ऑफ ए फिल्टर पेपर, छन्ना पत्थर, छन्ना पत्थर की सहायता से इसमें भी क्या होता है, जो अशुद्धियाँ होती है वो बिल्कुल उनका साइज बहुत ही कम होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे उसके ऊपर एक कीप के आकार का बना करके छन्ना पत्थर रखेंगे, ठीक है। एक बर्तन लिया उसके ऊपर एक छन्ना पत्थर रखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक ऊपर से मिक्सर, कोई भी मिश्रण है वो डालेंगे, ये बिल्कुल धीरे धीरे डालना है। उससे क्या होगा कि जो छन्ना पत्थर है उसमें से जो शुद्ध जो जल है या जो पदार्थ है वो, इसका प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है, लिक्विड स्टेट में, जब जो मिश्रण है वो क्या होगा, द्रव अवस्था में होगा, तब इसका प्रयोग हमें कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड जो होगा वो, जो मिश्रण होगा वो लिक्विड अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा, पानी के आकार का होगा, पानी के रूप में होगा। इसमें आप मिश्रण को ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा, छन्ना पत्थर के ऊपर जैसे ही मिश्रण टकराएगा तो उसमें से जो शुद्ध जो जल होगा, जो पदार्थ होगा, वो धीरे धीरे नीचे वाले बर्तन में आता जाएगा और जो अशुद्धियाँ होंगी वो यहाँ इस फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगी। इम्प्योरिटीज इज सेट ऑन फिल्टर पेपर, जो इम्प्योरिटीज हैं वो सारी सारी इस फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी। इसके बाद आता है शेडिमेशन, जिसको
निथारना विधि भी आप बोल सकते हो। घर में भी देखते हैं हम, किसी एक बर्तन में पानी डालते हैं, उसमें कुछ है, मिट्टी वगैरह डाल देते हैं, तो क्या होता है वो अवसाद, अवसादन देखिए सेडिमेशन। अवसादन विधि तो इसमें भी क्या होता है, ये भी लिक्विड अवस्था के अंदर जो मिक्सर होते हैं, द्रव अवस्था में जो मिश्रण होता है उसी को अलग करने के काम में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक बिकर लेंगे, इसके अंदर मिश्रण को डाल देंगे, मिश्रण को डाल देंगे, फिर क्या करेंगे कि कुछ समय के लिए इसको बगैर हिलाए रख देंगे, ऐसा का ऐसा इसको बगैर हिलाए रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो बर्तन के अंदर जो भी हमने मिश्रण लिया था, जो भी उसके अंदर अशुद्धियाँ थी, वो धीरे धीरे बर्तन की तली में इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, और जो साफ पानी है वो इस बर्तन के ऊपर आ जाएगा, प्योर वाटर, और जो नीचे बैठेंगे वो क्या होंगी, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो ये विधि क्या है, अवसादन विधि। इसके बाद है डेकनेशन, उसको निथारना विधि कहा जाता है। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये सेडिमेशन प्रोसेस होगा उसके बाद क्या करेंगे, इस बर्तन को थोड़ा सा तिरछा करेंगे, टेढ़ा करेंगे, प्योर वाटर, इस बर्तन को इस प्रोसेस के बाद, अवसादन विधि के बाद, इसी बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, तिरछा करेंगे, और इसके अंदर से जो ऊपर का जो साफ पानी है वो दूसरे रखे बर्तन में उतार लेंगे। ठीक है, नीचे जो अशुद्धियाँ वो इसी बर्तन में रख देंगे, तो ये क्या होगा, निथारना विधि। घर पे भी आप ये सारी सारी विधियाँ प्रयोग में लाते हैं। तो ये तो था कि जो इम्प्योरिटीज होती है वो इनसोल्यूबल है, उनके लिए कि जो अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी में अघुलनशील है, घुलती नहीं है, उनके लिए था। अब इसके बाद आएगा कि भाई कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं, जैसे नमक, चीनी, तो इनके अगर मिश्रण से अलग करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन और एवोपरेशन, वाष्पीकरण और संघनन विधि का प्रयोग करेंगे। ये तो अभी तक तो हमने जो पढ़ा है ये है सारे के सारे इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज थी। अब है कि जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग करने के लिए, सोल्यूबल जो इम्प्योरिटीज हैं घुलनशील है, मींस जो पानी में घुल जाती है, उनके लिए हम ये क्या करेंगे, जैसे देखिए वाटर ब्रश साल्ट, नमक और पानी, मान लीजिए हमने पानी के अंदर नमक मिला दिया और फिर हम चाहें कि हम इसको अलग अलग करें तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एवोपरेशन मेथड है, एवोपरेशन, वाष्पीकरण। तो एवोपरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण, चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एवोपरेशन, कि जब जल को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एवोपरेशन कहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बिकर के अंदर वो जो भी मिक्सर है वो डालेंगे,
ठीक है। फिर इसके नीचे क्या करेंगे हम, कोई भी एक मोमबत्ती वगैरह या गैस बर्नर वगैरह जलाएंगे, और इसको गर्म करेंगे। इसको गर्म करने पर क्या होगा कि धीरे धीरे ये पानी क्या होगा, भाप बन के ऊपर उठना शुरू होगा। इसमें से एक पाइप लगा देंगे और इसको एक दूसरे बर्तन में डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे इस पानी की भाप बनेगी, वो पानी जैसे जैसे गर्म होता जाएगा, तापमान ऊपर उठता जाएगा, पानी का तापमान बढ़ता जाएगा, तो पानी के मिश्रण जो होगा वो क्या होगा, भाप बनना शुरू होगा। और भाप बनना शुरू होगा तो इसमें से क्या होगी, वाटर वेपर इसमें से होते हुए इस बर्तन में इकट्ठा होंगे, ठीक है। और जो इसके ऊपर कुछ हम बर्फ वगैरह भी रख देंगे पाइप के ऊपर, बर्फ, ठीक है। तो पहले इसको हम एवोपोरेट करेंगे, इसको भाप में बदलेंगे, इसके अंदर लेके आएंगे यहाँ पे। चाहे आप बर्फ़ को यहाँ भी रख सकते हो, इस बर्तन के बाहर चारों तरफ यहाँ भी रख सकते हो, मतलब इसको ठंडा करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो भाप होती है वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर चेंज इंटू वाटर ड्रोपलेट ऑन ए कूलिंग, कि जब जल वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो वापिस वो जल के बूंदों का रूप ले लेता है, कॉल्ड कंडेंसेशन, जिसको संघनन कहा जाता है। तो क्या होगा, जब इसको गर्म करेंगे तो भाप बन के इसमें आ जाएगा पानी, और जो अशुद्धियाँ थी नीचे, जो नमक था इसके अंदर, वो इसी बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर केवल प्योर वाटर इस वाले बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन मेथड, वाष्पीकरण और संघनन विधि, ठीक है। तो देखिए, चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर ओन हीटिंग, ऑपरेशन, ठीक है। जबकि कंडेंसेशन में क्या होगा, इसका विपरीत होगा, चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट ओन कूलिंग, और कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। कि जब हम पानी को गर्म करेंगे तो भाप में बदली होगा, भाप में बदल जाएगा, तो वो क्या होगा, एवोपरेशन, वाष्पीकरण। और जब उस भाप को हम वापस ठंडा करेंगे तो वो क्या होगी, पानी के बूंदों के रूप में वापस चेंज होगी, ठीक है। ठंडा करने पर तो वो क्या होगा, कंडेंसेशन, संघनन क्रिया। इस प्रकार हम पानी के अंदर या आपस में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, उनका जो मिश्रण होता है उससे हम मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं, इन विधियों का प्रयोग करके।